इनडेप्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हेयरिंग एड यानी कान की मशीन पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके बारे में कई लोग काफ़ी समय से प्रश्न पूछ भी रहे हैं। आमतौर पर होता यह है कि हेयरिंग प्रॉब्लम से ग्रस्त लोग इन डिवाइसेस का यूज़ करने में या तो हेजिटेट होते हैं या वो शर्म महसूस करते हैं, लेकिन इसमें शर्म की कोई बात नहीं है क्योंकि उतना ही कॉमन है जितना नज़र के लिए चश्मों का यूज़। इसलिए यदि किसी को हेयरिंग प्रॉब्लम है तो सबसे पहले वो अपने मन में हेयरिंग एड के लिए किसी भी तरह की हेजिटेशन ना रखे, क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर पड़ सकता है। चलिए अब हम एक एक करके सभी हेयरिंग एड्स की जानकारी लेते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जानेंगे कि कौन सा हेयरिंग एड कितने हेयरिंग लॉस को कवर करता है, यानी अगर किसी को माइल्ड हेयरिंग लॉस है तो उसके लिए कौन सा, और यदि किसी को प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है तो उसके लिए कौन सा हेयरिंग एड बेस्ट रहेगा। हम पूरी जानकारी अलग अलग ऑडियोग्राम की रिपोर्ट्स के साथ भी लेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हेयरिंग एड का साइज़ जितना बड़ा होगा वो उतने ही अधिक डेसिबल के हेयरिंग लॉस को कवर करेगा। तो चलिए अब हम स्मॉलेस्ट साइज से स्टार्ट करते हुए बिगर साइज की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक भी इनडेप्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम 10,000 मेंबर्स के बहुत करीब हैं, और जितनी जल्दी हम 10,000 के मार्क को टच करेंगे उतनी ही जल्दी मैं आपको और अधिक समय दे पाऊंगा। तो लिस्ट में पहला नंबर है IIC यानी इनविजिबल इन द कैनाल हेयरिंग एड का। जैसा कि नाम से ही पता चलता है यह पूरी तरह इनविजिबल होता है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि यह कैसा दिखता है। तो IIC डिवाइस हमारी ईयर कैनाल के सेकंड बैंड में फिट होता है, पर्दे के एकदम करीब। इसके बारे में आगे बताने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि कोई भी हेयरिंग एड हो वो स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में 3 दिन से लेकर 1 सप्ताह का समय ले सकता है, और पूरी तरह आपकी हेयरिंग के अनुसार एडजस्ट होने में कुछ हफ्तों से लेकर 2 महीनों तक का समय भी ले सकता है। इसलिए यदि स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो घबराए नहीं, बल्कि अपने डॉक्टर से बात करें। तो हम IIC डिवाइस की बात कर रहे थे जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और नॉर्मल से लेकर माइल्ड को मॉडरेट हेयरिंग लॉस कवर करता है, और यदि ऑडियोग्राम की रिपोर्ट की बात की जाए तो यह 20 से लेकर 60 डेसिबल तक के हेयरिंग लॉस को आसानी से कवर करता है। और इस वीडियो में हम किसी भी हेयरिंग एड के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्राइस, वर्किंग और मेंटेनेंस पर नहीं जाने वाले। इनके लिए हम हर एक हेयरिंग एड पर डिटेल वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो केवल जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है CIC यानी कम्प्लीटली इन द कैनाल हेयरिंग एड। यह भी पूरी तरह ईयर कैनाल के अंदर रहता है, केवल एक छोटा सा रिमूवेबल हैंडल बाहर रहता है जो कि नॉर्मली दिखाई भी नहीं देता। इसका साइज IIC की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन यह नॉर्मली दिखाई नहीं देता। आप स्क्रीन पर देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से देखने पर यह दिखाई देगा। CIC डिवाइसेस माइल्ड टू सीवियर हेयरिंग लॉस। यदि ऑडियोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 30 से लेकर 80 डेसिबल तक के हेयरिंग लॉस को आसानी से कवर करती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर ITC यानी इन द कैनाल डिवाइस का नंबर आता है। इसे भी ईयर कैनाल के अंदर फिट किया जाता है। हालांकि इसका साइज बाकी दोनों से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी हद तक छुपा ही रहता है। केवल इसका आउटर पोर्शन ही थोड़ा सा दिखाई देता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ITC डिवाइस सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस, और यदि ऑडियोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 80 से लेकर 90 डेसिबल तक के हेयरिंग लॉस को कवर करती हैं। चौथे नंबर पर ITE यानी इन द ईयर डिवाइस का नंबर आता है। इसे कान के आउटर पोर्शन में फिट किया जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसका साइज बाकी तीनों से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसमें बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। साथ ही इसमें वॉल्यूम और मेमोरी कंट्रोल जैसे ऑप्शन भी रहते हैं जो छोटे हेयरिंग एड में आमतौर पर नहीं पाए जाते। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी आप केवल ये जान लीजिए कि ITE डिवाइस प्रोफाउंड लेवल तक हेयरिंग लॉस, और यदि ऑडियोग्राम की रिपोर्ट की बात की जाए तो 80 से ऊपर और 100 डेसिबल तक के हेयरिंग लॉस को आसानी से कवर कर सकती हैं। इसके बाद पाँचवें नंबर पर RIC यानी रिसीवर इन द कैनाल डिवाइस का नंबर आता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका केवल रिसीवर, जिसे आप स्पीकर भी कह सकते हैं, कान की नली में होता है, और बाकी डिवाइस को कान के पीछे पहना जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। इसका साइज बाकी चारों डिवाइस से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी यह आसानी से दिखाई नहीं देता। जो लोग भी हेयरिंग एड का पहली बार यूज़ करना चाहते हैं मैं उन्हें इसी डिवाइस की सलाह दूंगा, और इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि यह कान के बाहर रहती है, और इसीलिए
ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल साउंड को कवर करती है। दूसरा कारण है, इसमें कई रिचार्जेबल वेरिएंट आते हैं, यानी बार बार बैटरी बदलने की झंझट से छुटकारा। और तीसरा कारण ये है कि इसे पहनने वाला अपनी खुद की आवाज़ को काफ़ी हद तक बिल्कुल साफ सुन सकता है। इसके बारे में भी हम किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी आप केवल ये जान लीजिए कि RIC डिवाइस प्रोफाउंड लेवल तक का हेयरिंग लॉस, और यदि ऑडियोग्राम की रिपोर्ट की बात करें तो 80 से ऊपर और 110 डेसिबल तक के हेयरिंग लॉस को कवर करती है। साथ ही इसमें साउंड एडजस्टमेंट का फीचर भी होता है, यानी अगर यूज़र किसी शोरगुल वाली जगह पर है तो उसके अनुसार, और यदि किसी शांत जगह पर है तो उसके अनुसार इसका साउंड एडजस्ट भी कर सकता है। इसके बाद छठवें नंबर पर BTE यानी बिहाइंड द ईयर डिवाइस का नंबर आता है, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसे कान के पीछे पहना जाता है और इसका साइज हेयरिंग एड्स में सबसे बड़ा होता है। यह दुनिया भर में सबसे कॉमन हेयरिंग एड है और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। BTE की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मेंटेनेंस सबसे सरल होता है और इसे ईयर के इन्फेक्शन से होने वाले डिस्चार्ज का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह दिखाई देता है। ये डिवाइस एल्डर यानी वृद्ध लोगों के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि ये मैक्सिमम डेसिबल तक का साउंड कैप्चर करती है, और यदि ऑडियोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो ये 110 डेसिबल तक के हेयरिंग लॉस को भी कवर करती है, और इसका प्राइस काफ़ी रीजनेबल होता है। और इसके भी कई वेरिएंट आते हैं, जैसे स्टैंडर्ड, मिनी और पावर। तो स्टैंडर्ड और मिनी के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी केवल पावर BTE के बारे में बात करते हैं, जिसे सुपर पावर BTE भी कहा जाता है। तो सुपर पावर BTE, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ह्यूमन हेयरिंग की मैक्सिमम लिमिट को कवर करता है, और यदि ऑडियोग्राम की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो यह 110 डेसिबल से ऊपर और 120 डेसिबल तक के साउंड को यानी हेयरिंग लॉस को कवर करता है। और वैसे भी 120 डेसिबल तक हमारे कानों की लास्ट लिमिट होती है, और इसके बाद का साउंड हेयरिंग लॉस ही पैदा करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मार्केट में अवेलेबल सभी मेन टाइप के हेयरिंग एड्स की जानकारी ली है, वो भी ऑडियोग्राम की रिपोर्ट के साथ। और यदि आप इनके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं इन सभी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूं, वो भी प्राइस के साथ, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही यदि ये वीडियो आपको किसी भी तरह हेल्पफुल लगा है तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द 10,000 के मार्क को टच कर सकें। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं। Thanks for watching this video.